गुड इवनिंग माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स। नोट फाइव फोर्थ कल देखे थे, आज देखेंगे नोट फाइव में द एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स कैन बी एक्सटेंडेड टू पॉलीगॉन। लेट ए बार बी बार सी बार एंड डी बार बी फोर वेक्टर्स लाइक दिस। ए बार बी बार सी बार एंड डी बार। लेट पी क्यू बार इज इक्वल टू ए बार, क्यू आर बार इज इक्वल टू बी बार, आर एस बार इज इक्वल टू सी बार एंड एस टी बार इज इक्वल टू डी बार। देन how much will be a bar plus b bar plus c bar plus d bar, they want to know. So therefore a bar plus b bar plus c bar plus d bar equal to, ab a bar kya hai likhna, pq bar plus likho qr bar plus likhenge rs bar plus likhenge st bar aur add kar liya apne a bar plus b bar plus c bar plus d bar yani pq bar plus qr bar plus rs bar plus st bar ho gaya. abhi directly agar bolenge to ye pt bar aata hai, but kaisa aata hai that we will check. Now I will bring these two together, PQ bar plus QR bar. वैसा अपना टेक्निक बहुत सिंपल है, अपन क्या करते हैं, हाँ ये और ये सेम है ना, तो आंसर पी आर बार आएगा। ये देखो पी आर बार आएगा, ठीक है। इन दोनों को कॉमन लिया और ये अलग रखे अभी, तो पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार में क्यू क्यू कैंसर, बचा कौन, पी आर बार, पी आर बार आ गया। बट ट्रायंगल लॉ से कैसा आता है, देखो you are going from P to Q and Q to R, that means you are going from P to R directly. So PQ bar plus QR bar equal to PR bar. Okay? So now यहाँ का दोनों का मिला के PR bar और यहाँ का RS bar पास मिलाया, तो ये हो गया PR bar plus RS bar, PR bar plus RS bar यानी PS bar। अपनी भाषा में ये और ये कैंसिल, बचा कौन, PS bar। Okay? So again पी आर बार प्लस आर एस बार विल बी नथिंग बट पी एस बार बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये भी क्लियर हो गया। अब पी एस बार यानी ये वेक्टर, एस टी बार यानी ये वेक्टर, दैट मीन्स वी गेट अ वेक्टर पी टी बार, क्योंकि इसमें भी ये एस और ये एस कैंसिल हुआ, बचा कौन, पी एंड टी। सो दिस इज इक्वल टू पी टी बार, यानी आज के बाद वेक्टर पी टी बार रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार एंड डी बार, which is PT bar। अभी इन डायरेक्टली पॉलीगॉन में कैसा याद रखना, हाँ क्या है, ए बार यानी पी क्यू बार प्लस पी आर बार प्लस आर एस बार प्लस एस टी बार, तो P स्टार्टिंग पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, तो आंसर इज PT bar। सो दिस PT bar इज नथिंग बट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार। अब ये ए बार प्लस बी बार क्यों आया, बिकॉज ये ए बार प्लस बी बार यानी ये वेक्टर कौन रहेगा, ए बार प्लस बी बार। अब ये ए बार प्लस बी बार है और ये सी बार है, तो ये वेक्टर कौन आएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब ये वेक्टर कौन है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, ये वेक्टर, तो ये आएगा पी टी बार। सो कैसे भी करने से पी टी बार इज द वेक्टर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार। दस द वेक्टर पी टी बार रिप्रेजेंट सम ऑफ ऑल वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार एंड डी बार। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज extended law of addition of vectors or polygonal law of addition of vectors। इसमें सिर्फ ट्रायंगल नहीं है, इट इज अ पॉलीगॉन, पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ नोट नंबर सिक्स विल सी, ए बार प्लस बी बार कैन बी रिटन एज बी बार प्लस ए बार, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई रिपीट, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस ए बार, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिव। ए बार प्लस बी बार ब्रैकेट के बाहर सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस, अलग हो जाएगा यहां आएगा बी बार प्लस सी बार, एसोसिएटिव लॉ। हाउ मच विल बी ए बार प्लस जीरो बार वेक्टर, ए बार नेचुरली, जीरो बार इज एडिटिव आइडेंटिटी। हाउ मच इज ए बार प्लस माइनस ए बार, जीरो बार, करेक्ट, माइनस ए बार इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। नाउ पॉइंट नंबर टेन, इफ ए बार एंड बी बार आर वेक्टर्स एंड एम एंड एन आर स्केलर्स, देन, अभी बहुत ध्यान से लिखना, ये अपने को बहुत यूज करना है। अभी एम प्लस एन इंटू ए बार होगा तो एम इंटू ए बार प्लस एन इंटू ए बार। मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी, सर एम ए बार में आपने क्या है, सर आपने दिया नहीं, डॉट है कि क्रॉस है, सो बोथ दीज आर रॉन्ग। डॉट और क्रॉस किसके बीच में आते हैं, दो वेक्टर्स के बीच में। एम कौन है, स्केलर,
तो टू ए बार के बीच में कुछ भी नहीं आता, नेवर, ना डॉट आएगा ना क्रॉस आ गया। अभी गया किसने लिख भी दिया गलती से, डोंट कंसिडर, टू इज स्केलर, ए बार इज अ वेक्टर। तो इसीलिए एन ए बार के बीच में ना डॉट आएगा ना क्रॉस आएगा, क्योंकि एन इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड ए बार इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डॉट और क्रॉस किसके बीच में आते, दो वेक्टर्स के बीच में। इफ समबडी राइट्स ए बार एंड बी बार डायरेक्ट ऐसा, देन ही इज रॉन्ग। उसको बोलना बीच में क्या है बता, नहीं कुछ भी ले सकते हो, नो बता डॉट है कि क्रॉस है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अलग है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला अलग है, ये अपन बाद में पढ़ने वाले। सो डॉट और क्रॉस किसके बीच में आते हैं, दो वेक्टर्स के बीच में। एक स्केलर और वेक्टर के बीच में कौन सा साइन आता है, कुछ भी साइन नहीं आना चाहिए। सो इसीलिए हो गया एन ए बार प्लस एन ए बार। अब एम इन टू ए बार प्लस बी बार, यहां देखो ना डॉट दिया ना क्रॉस दिया उन्होंने, इज एम ए बार प्लस एम बी बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉब्लम। एम एन इंटू ए बार होगा तो एम एन आप अलग कर सकते हो, ए बार अलग कर सकते हो। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, टू इन ब्रैकेट थ्री ए बार कैन बी डायरेक्टली रिटन एज सिक्स ए बार, अलाउड। सो दिस इज एम इंटू एन इंटू ए बार और एन इंटू एम ए बार। इसको ऐसा भी कर सकते हो आप, इसको थ्री बार ट्वाइस ए बार, अलाउड। सो एम एन इंटू ए बार एम इंटू एन ए बार इज इक्वल टू एम एन इंटू ए बार इज इक्वल टू एन बार एम ए बार, वन एंड द सेम थिंग। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट 11, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। जे डब्ल्यू में इसका जबरदस्त यूज है। मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज लेस देन ऑल इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, दिस इज नोन एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। आपको बताता हूँ why the length of a bar plus b bar is always less than or equal to a bar की length plus b bar की length, because I consider this vector, say this is a bar and this vector has b bar, so magnitude of a bar may be 5 and magnitude of b bar may be 3. Then if you join this, this vector is a bar और इसका magnitude 8 से कमी आएगा, नेचुरली विल बी ऑलवेज लेस देन 8, क्योंकि ये लेंथ 5 है और ये लेंथ 3 है, तो ये लेस देन 8 ही आएगा कभी भी। देन व्हाई द इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन क्यों आ रहा है? हाँ, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। मॉड ऑफ ए बार 5 है, मॉड ऑफ बी बार 3 है, तो ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड यानी इसकी लेंथ यहां से यहां तक की एसी लेंथ विल बी सर्टनली लेस देन 8, अपने को ये ज्योमेट्री में बताया हुआ है, आगे शायद उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ ज्योमेट्री यूज करके ट्रायंगल। दिस इज ऑलवेज, सो मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार प्लस मॉड ऑफ बी बार, इक्वल टू एक ही केस में आता है, और वो केस कौन सी है यहां देखेंगे। Suppose this is vector a bar having magnitude 5. This is vector b bar having magnitude 3. Now a bar is parallel to b bar, they are collinear vectors. So कल जैसे बताया था, इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आ सकता हूं और उसके बाद मैं एक लाइन बनाऊंगा इसकी, तो यहां से यहां तक हो सकता है ए बार है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, और यहां से यहां तक वेक्टर बी बार है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है। तो नाउ ए बार प्लस बी बार वेक्टर क्या रहेगा, यहां से लेके यहां तक, करेक्ट है? सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। सो ए बार प्लस बी बार इन वेक्टर ए सी बार, नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी बार, लेंथ ए सी, लेंथ ए सी कितनी आएगी, 5 प्लस 3 यानी कितना आएगा 8। तो ये एक ही केस है कि जब ए बार और बी बार कोलिनियर वेक्टर्स रहते हैं, देन ओनली मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार प्लस मॉड ऑफ बी बार। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अपन ने कवर कर लिया। अगर ट्रायंगल है तो हरदम लेस देन रहेगा,
लेकिन कोलिनियर है तो लेस देन और इक्वल टू। तो फॉर्मूला एक बार पूरा मेमोरी में डालो, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार प्लस मॉड ऑफ बी बार, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार प्लस मॉड ऑफ बी बार, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार प्लस मॉड ऑफ बी बार। दिस इज ऑब्टेन्ड, सॉरी, दिस इज नोन एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या बोलते इसको? ट्रायंगल इनइक्वालिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रायंगल इनइक्वालिटी अपन ने लिख लिया, दिस इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या है ट्रायंगल इनइक्वालिटी? मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार प्लस मॉड ऑफ बी बार, एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ एज द लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ ट्रायंगल is less than the sum of the other two sides, that is in triangle ABC length AC will be less than length AB plus length BC, where AC is equal to length AC and a magnitude of A bar plus B bar, length AB and a mod of A bar and length BC and a mod of B bar. तो अगर वो triangle है तो length AC will be always less than length AB plus length BC. यानी मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज ऑलवेज लेस देन मॉड ऑफ ए बार प्लस मॉड ऑफ बी बार, लेस देन अगर वो ट्रायंगल है तो। इक्वल टू कब आता है? जब वो दोनों तीनों वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स कैसे रहेंगे? एक लाइन में कोलिनियर रहेंगे। नाउ नोट नंबर 12, एनी टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार डिटरमाइन अ प्लेन। एक्चुअली यहाँ नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आना चाहिए। एनी टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स डिटरमाइन अ प्लेन, क्योंकि एक ऐसा जाएगा तो दूसरा तो तिरछा जाएगा, बन गया प्लेन। व्हाइट बोर्ड का प्लेन देखो, एक ऐसा गया वेक्टर, एक ऐसा गया, एक इधर गया ए बार, इधर बी बार गया, तो व्हाइट बोर्ड का प्लेन बन गया। सो टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, आई रिपीट, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ए बार एंड बी बार ऑलवेज डिटरमाइन अ प्लेन एंड वेक्टर्स ए बार प्लस बी बार एंड ए बार माइनस बी बार लाइन द सेम प्लेन। एक्टिविटी अब सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी भी चालू करेंगे। इन अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस फाइंड अ रिजल्टेंट वेक्टर, पी क्यू आर एस किताब में दिया हुआ है। अब अपन शुरू करेंगे पहली एक्टिविटी, वेरी सिंपल, क्यू आर बार प्लस आर एस बार इक्वल टू। तो अपन ने यहां देखना क्यू आर बार प्लस आर एस बार इज इक्वल टू क्यू एस बार, ट्रायंगल लॉ से पता चल गया। बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम क्यू टू आर देन आर टू एस, दैट मीन्स यू आर डायरेक्टली गोइंग टू क्यू एस बार, क्यू आर बार प्लस आर एस बार क्यू एस बार, वेरी गुड। अपनी गांवी भाषा में हाँ, क्या कौन है आर, ये कैंसिल हो गया, बचा कौन? क्यू एस बार, सिंपल बट ये करेक्ट है। अब पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार, अपनी गांवी भाषा में क्यू क्यू कैंसिल, आंसर इज पी आर बार, बट आप देखो कहाँ है पी क्यू और क्यू आर। सो पी क्यू बार यानी पी टू क्यू प्लस क्यू आर बार, यानी आप पी से क्यू गए, क्यू से आर गए, दैट मीन्स आप पी से आर गए, सो आंसर शुड बी पी आर बार। किताब में है, आप वो एक एक ब्लैंक भर सकते हो। थर्ड, पी एस बार प्लस एस आर बार प्लस आर क्यू बार, पी एस बार प्लस एस आर बार प्लस आर क्यू बार, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, आंसर इज पी क्यू बार, डायरेक्ट पॉलीगोनल लॉ और एक्सटेंडेड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो फिर से एक बार, पी एस बार प्लस एस आर बार प्लस आर क्यू बार, यानी कौन? पी क्यू बार। अपनी गांवी भाषा में पी एस बार यानी एस और एस कैंसल, फिर आर और आर कैंसल, बचा कौन? पी क्यू बार, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। बट ट्रायंगल लॉ देख लेना सबने। पॉइंट नंबर फोर, पी आर बार, पी आर बार प्लस आर क्यू बार प्लस क्यू एस बार, पी आर बार प्लस आर क्यू बार प्लस क्यू एस बार, यानी स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? पी, पी आर बार प्लस आर क्यू बार प्लस क्यू एस बार, स्टार्टिंग पॉइंट पी है, एंड पॉइंट कौन है? एस, तो आंसर इज पी एस बार। ओके, वैसे अपनी गौडी भाषा में आर आर कैंसल, क्यू क्यू कैंसल, बचा कौन? पहला पी, आखिरी वाला एस, पी एस बार इज द आंसर। बट ट्रायंगल लॉ भी देखते रहना कभी। तो ट्रायंगल लॉ कैसे करेंगे? इसमें देखो, पी आर बार प्लस आर क्यू बार
यानी पी क्यू बार प्लस क्यू एस बार यानी कॉट पी एस बार ट्राइंगल बार. नाउ कम्स द मोस्ट डेंजरस पार्ट, पॉइंट नंबर 5, क्यू आर बार माइनस एस आर बार माइनस पी एस बार इज इक्वल हाउ मच. इसमें कुछ कैंसिल वैंसिल होते नहीं है, डायरेक्टली नहीं पता चलता, इवन ड्राइंग से भी नहीं पता चलता है अपने को क्यू आर बार माइनस एस आर बार का क्या करेंगे. तो एक कसम खाओ, माइनस जिसको है उसको प्लस करेंगे अपन. तो मैंने लिखा आंसर, देखो यहाँ पे क्यू आर बार प्लस माइनस एस आर बार प्लस माइनस पी एस बार. तो ये होगा क्यू आर बार, अब माइनस एस आर बार माइनस एस आर बार यानी आर एस बार, तो हो गया प्लस आर एस बार. माइनस पी एस बार यानी कौन कुछ हो गया एस पी बार, वेरी गुड. माइनस पी एस बार एस पी बार हो गया. सो ये हो गया क्यू आर बार प्लस आर एस बार प्लस एस पी बार. अब ये दो जोड़े मैंने पहले पास मिलाया क्यू टू आर आर टू एस यानी क्यू एस बार बचने वाला है, बट ड्रॉइंग में भी देख लो क्यू आर बार प्लस आर एस बार. आई रिपीट, क्यू आर बार प्लस आर एस बार यानी कहाँ से कहाँ तक, क्यू से एस तक, वेरी गुड, दैट मीन्स यू आर गेटिंग क्यू एस बार. फिर से एक बार क्यू आर बार प्लस आर एस बार क्यू आर बार प्लस आर एस बार विल गिव मी क्यू एस बार हो गया. अब ये क्यू एस बार प्लस ये हो गया क्यू एस बार, ये हो गया एस पी बार, क्यू एस बार प्लस एस पी बार. तो यहाँ देखो क्यू एस बार प्लस एस पी बार यानी कहाँ से कहाँ तक, क्यू से लेके पी तक, तो दिस इज नथिंग बट क्यू पी बार इज द आंसर. बट ये माइनस वाले ये सब प्लस कर ले डायरेक्ट लिख सकते थे आप लोग, बट माइनस वालों को आपको ऐसा छुड़ाना पड़ता है. ये सारे डायरेक्ट है, देखो ना आर आर कैंसल क्यू एस बार बचा, क्यू क्यू कैंसल पी आर बार बचा, आर कैंसल क्यू कैंसल पी एस बार बचा, एस कैंसल आर कैंसल पी क्यू बार बचा. इसमें ऐसा होता क्या? तो क्या कसम खाना, जो माइनस है उसको प्लस करना. पॉइंट नंबर 6, इसका एक्टिविटी नंबर 6, क्यू पी बार माइनस आर पी बार प्लस आर एस बार इज इक्वल टू हाउ मच. आई कैन नॉट राइट लाइक क्यू एस बार बिकॉज आई डू नॉट नो एट द मोमेंट, बट व्हाट आई विल डू, माइनस आर पी बार को आई विल राइट पी आर बार. सो हो गया क्यू पी बार प्लस आर पी, माइनस आर पी बार का कौन होगा पी आर बार, देखो माइनस आर पी बार का कौन होगा पी आर बार हो गया, पी आर बार प्लस आर एस बार. अब क्यू पी बार प्लस पी आर बार यानी क्यू आर बार हो गए, क्यू पी बार प्लस पी आर बार यानी कौन हो गया क्यू आर बार. अपने गांवी भाषा में कौन कैंसिल होता है, देखो यहाँ पे पी पी कैंसिल बचा कौन क्यू आर, ये देखो पी पी कैंसिल बचा कौन क्यू आर बार. अब क्यू आर बार प्लस आर एस बार, क्यू आर बार प्लस आर एस बार, क्यू आर बार प्लस आर एस बार विल गिव मी क्यू एस बार. And now you can put QS bar in the blank wala. So answer is QS bar. So kya sikhe? Minus ka plus karna. Kya karna? Minus ka plus. Minus ka plus. That's all. 14 minute. Chara 1. Two non-zero vectors A bar and B bar are collinear if and only if there exist scalars M and N. At least one of them is non-zero such that NA bar plus NB bar equal to 0 bar. Board के exam में 2 or 3 marks के लिए prove करने आता है. हाँ, जब भी आता है if and only if, that means आपको कैसा करना है, देखो if and only if word आ गया तो पहले only if part में ये लेने का और ये prove करने का, okay? उसके बाद if part में ये लेने का शुरुआत और प्रूव करने का कि ए बार और बी बार कोलिनियर वेक्टर से प्रूव करने का है. बहुत सिंपल समझा, तो बहुत सिंपल है. अब शुरू करेंगे ओनली इफ पार्ट. ओनली इफ पार्ट में क्या लेने का, ये लेने का यानी ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर, और प्रूव क्या करने का एम ए बार प्लस एम बी बार इक्वल टू जीरो बार. ये लेने का, ये प्रूव करने का ओनली इफ पार्ट में. इफ पार्ट में उल्टा जाने का, ये लेने का और ये प्रूव करने का. माइंड में अभी कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया. तो वी आर स्टार्टिंग विथ ओनली इफ पार्ट. हाँ, सपोज ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर, सपोज द टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर, हो गया. अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो एनी वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर. आई रिपीट, इफ द वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर
then any one of them can be expressed as a scalar multiple of the other. Suppose A bar and B bar are collinear. Therefore, any one of them can be expressed as a scalar multiple of the other. Therefore, there exists a scalar T not equal to 0 such that A bar equal to TB bar. इसको बोलते हैं scalar multiple. क्या क्या अपने A bar को express किया as a scalar multiple of B bar, यानी TB bar. Correct है? Any doubt? क्यों ऐसा कर पाया? Because A bar and B bar कैसे vectors है? Collinear है. तो A bar equal to TB bar. इसको अगर समझना है, 11th में नहीं पढ़ाऊंगा आपने ठीक से, तो बता देता हूँ. ये है A bar. ओके okay? इसकी मैग्नीट्यूड है 10 मीटर. अब बी बार ऐसा निकाला तो आर दे कोलिनियर? नो. कोलिनियर वेक्टर्स किसको कहते हैं? इफ दे लाई अलॉन्ग द सेम लाइन और अलॉन्ग पैरेलल लाइंस. तो मान लो यहां बी बार है, डायरेक्शन सेम है बी बार, और इसका मैग्नीट्यूड 5 है. अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, दे आर कोलिनियर, पैरल या एक लाइन में रहे तो कोलिनियर बोलते उसको. अब देखो, आई कैन राइट ए बार इज इक्वल टू ट्वाइस बी बार, नथिंग रॉन्ग, बिकॉज बी बार को डबल किया तो यहां से यहां तक होगा, यानी ए बार हो जाता है वो. सो दिस इज पॉसिबल ओनली दे आर कोलिनियर, अदरवाइज पॉसिबल इक्वल टू साइन नहीं दे सकते डायरेक्शन चेंज होगी तो, क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना. तो ए बार इक्वल टू ट्वाइस बी बार, यानी ए बार इक्वल टू टी बी बार. So I could express A bar as a scalar multiple of B bar. This was possible because A bar and B bar are collinear. तो यहाँ से क्या सीखा आज के बाद? If A bar and B bar are collinear, then any one of them can be expressed as a scalar multiple of the other. Therefore, there exists a scalar T not equal to 0 such that A bar equal to TB bar. अब अपने को ये फॉर्म में लाना है, तो TB bar को उधर लेके गया. So A bar minus TB bar equal to 0 bar. That is M A bar plus N B bar equal to 0 bar. तो M कितना हुआ? 1. Correct है. Therefore where M is equal to 1 और N कितना हुआ? Minus T. हो गया? That means ये दिया था और हमने ये प्रूव कर डाला. Only if part में. अब उल्टा जाना है. If part. क्या दिया if part में? M A bar plus N B bar equal to 0 bar. M not equal to 0. At least one of them is non-zero, so m not equal to 0. Conversely, suppose m a bar plus n b bar equal to 0 bar and m not equal to 0. अब m not equal to 0 है, तो इसको यही रखने का और n b bar को उधर लेके जाने का. तो हो गया m a bar is equal to minus n b bar. अब m not equal to 0 है, तो I can divide both sides by m. तो a bar equal to minus n upon m into b bar. ए माइनस एन अपॉन एम को क्या लू? टी. तो हो गया ए बार इक्वल टू टी बार. आई रिपीट, ए बार इक्वल टू टी बी बार, वेयर टी इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन एम. अब ए बार इक्वल टू टी बी बार, दैट मीन्स ए बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार. नाउ ए बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, इट मीन्स दैट ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स. परफेक्ट. यानी क्या करना है, इसे इफ एंड ओनली जब भी आता है तो ओनली इफ पार्ट में ये लेने का, ये प्रूव करने का, उसके बाद इफ पार्ट में ये लेने का और ये प्रूव करने का. अपने मन से थ्योरम आप एग्जाम में प्रूव करके आ सकते हो. नाउ कोरोलरी वन, इफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर नॉट कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है, यदि कोलिनियर थे अभी कोलिनियर नहीं है, यानी ये ए बार है तो ऐसा बी बार, एंड एम ए बार प्लस एन बी बार जीरो बार आ गया, ऐसा खास हो गया जीरो बार का आ सकता है, वो आ ही नहीं सकता. तो इसका मतलब क्या है? एम बी जीरो है और एन बी जीरो है, क्योंकि ए बार और बी बार जीरो वेक्टर्स नहीं है और कोलिनियर भी नहीं है. तो एम ए बार प्लस एन बी बार जीरो बार आया, इसका मतलब एम इज इक्वल टू जीरो एंड एन इक्वल टू जीरो. दिस कैन बी प्रूव्ड बाय द कॉन्ट्रेक्शन अज्यूमिंग एम नॉट इक्वल टू जीरो और एन नॉट इक्वल टू जीरो. नाउ किताब में तो उन्होंने बोल दिया कोरोलरी वन, बट अपन प्रूव करके दिखाएंगे. प्रूफ, ए बार एंड बी बार आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स गिवन. इक्वेशन नंबर 1 दिया है उन्होंने, वो कोलिनियर वेक्टर्स नहीं है दिया है ना. एम ए बार प्लस एन बी बार
इज इक्वल टू जीरो बार, देयरफॉर एन ए बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन बी बार. नाउ व्हाट इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? प्रूव करो बोला एम इक्वल टू जीरो, तो अपन बोले का एम नॉट इक्वल टू जीरो, ये मेथड है. वी हैव टू प्रूव दैट एम इज इक्वल टू जीरो. ऑन द कॉन्ट्ररी लेट अस अज्यूम दैट एम नॉट इक्वल टू जीरो. ऑन द कॉन्ट्ररी लेट अस अज्यूम दैट एम नॉट इक्वल टू जीरो. अगर एम जीरो नहीं है तो आई कैन डिवाइड इक्वेशन टू बाय एम. सो इक्वेशन टू बिकम्स ए बार इक्वल टू माइनस एन अपॉन एम इन टू बी बार. एम एन स्केलर्स है तो माइनस एन अपॉन एम बी एक स्केलर रहेगा. देयरफॉर ए बार इक्वल टू टी बी बार, वेयर टी इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन एम. देयरफॉर ए बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार. देयरफॉर ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स. सर के पास गए तो सर मैंने प्रूव करके दिखाया ए बार और बी बार कोलिनियर वेक्टर्स है. सर ने बोला इधर इधर बड़ा जोर से. सर क्यों मारते हो? बेटा मैं तेरे को दे रहा हूँ ए बार और बी बार नॉन कोलिनियर है और तू मेरे को प्रूव करके दिखा रहा है ए बार और बी बार कोलिनियर है. लेकिन सर वो आ गए ना कोलिनियर. अरे ऐसा हो गया कोलिनियर आ गए बट दे आर गिवन टू बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स. इसका मतलब तेरी कुछ तो भी गलती है. तो गलती क्या है? तूने जो अज्यूम किया था एम नॉट इक्वल टू जीरो वो रॉन्ग होगा और एम की वैल्यू जीरो होनी चाहिए. दिस कॉल्ड एज मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. ओके सो अपन ने क्या प्रूव किया? ए बार इक्वल टू टी बी बार, देयरफॉर ए बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार. देयरफॉर ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स बट फ्रॉम इक्वेशन वन ए बार एंड बी बार आर गिवन टू बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स. Hence our assumption that m not equal to 0 must be wrong and therefore m is equal to 0. और क्या प्रूव करना है आपने को? और क्या प्रूव करना है? n इको तो आप क्या करेंगे अपन? n not equal to 0. और इस केस में कैसे प्रूव करेंगे उसको? देखो अभी n not equal to 0 लिया तो n b bar is equal to minus m a bar, b bar is equal to minus m upon n इंटू ए बार, क्योंकि एन नॉट इक्वल टू जीरो लिया अपन ने. एन नॉट इक्वल टू जीरो फिर क्या आया? बी बार इक्वल टू टी ए बार. सो बी बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार. दैट मीन्स ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स. प्रूव किया बट दे आर गिवन टू बी हेंस आवर अजम्पशन दैट एन नॉट इक्वल टू जीरो मस्ट बी एंड देयरफॉर एन इज इक्वल टू जीरो. दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स.